नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन शेयर पर टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। इस वीडियो में हम कैंडलस्टिक वगैरह की बात नहीं करेंगे, इस चीज़ों में हम बात करेंगे सिर्फ कंपनी के टारगेट वैल्यू पर। तो देखिए, अगर रिपोर्ट में देखें तो कंपनी के सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल दी हुई है, कंपनी के बारे में जर्नल चीज़ें होती है वो सब। और अगर आगे हम इंपॉर्टेंट चीज़ देखें तो इसमें दिया हुआ कंपनी के शेयर की वैल्यू में होने वाले फेरफार। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं भाई कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में। 19 नवंबर 2018 के टाइम में कंपनी के शेयर की वैल्यू 320 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी, और अगर 5 सालों के बाद 2023 में देखें तो ये 384 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है, महत्तम गई है 549 रुपये तक। तो देखिए, इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस देखने नहीं मिला है। 320 से 5 सालों के बाद सिर्फ 549 तक ही गई है, जो कि भाई एक अच्छा संकेत नहीं है। कंपनी ने ज़्यादा अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को नहीं दिया। और जैसा कि हम जानते हैं, भारत जो पेट्रोलियम है वो भारत की काफ़ी लोकप्रिय है और काफ़ी बड़ी कंपनी भी है। तो आखिर क्या कारण है कि भाई कंपनी ने अपने निवेशकों को ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं दे पाई और ये जो शेयर की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा नहीं बढ़ पा रही है, तो वो अभी हम आगे देख पाएंगे। तो पर अभी यहाँ पे हमने एक व्हाइट बोर्ड को रखा हुआ है, जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करेंगे। जैसे कि हमने देखा भाई कंपनी ने ज़्यादा अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को नहीं दिया है पिछले 5 सालों में, तो एक नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको एक स्टार दे दिया है नेगेटिव में। अभी हम बात करेंगे कंपनी की पिछले 5 सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी की शेयर की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी प्रॉफिट या रेवेन्यू नहीं बना पा रही है। तो अगर 2019 में देखें तो कंपनी 301,200 करोड़ का रेवेन्यू बना रही थी और नेट इनकम 7,802 करोड़ की बना रही थी। और अगर 5 सालों के बाद 2023 में देखें तो ये 3 लाख से हो गया 4,76,870 करोड़ और नेट इनकम हो गई भाई 7,000 से लेके 2,000। तो देखिए नेट इनकम में कितनी ज़्यादा गिरावट देखने मिली है कंपनी के इसमें, तो ये लगभग 2,131 करोड़ पे आ गई है 7,000 करोड़ से। तो एक नेगेटिव पॉइंट है भाई कंपनी में, क्योंकि अगर कंपनी इतना अच्छा रेवेन्यू बनाने के बाद भी अगर प्रॉफिट नहीं बना पा रही है तो उसके पीछे हो सकता है कंपनी कोई बड़े एक्सपेंस हो रहे हो, दूसरे कोई कारण भी हो सकते हैं। पर अगर हम 2022 में देखें तो भाई कंपनी ने 11,000 करोड़ का ये जो है प्रॉफिट बनाया, इससे पहले 16,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। पर 2023 में ये थोड़ा बहुत तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा गिरा है। तो इन सबको हम ना गिनते हुए इसके हिसाब से हम इसको एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं कंपनी को, क्योंकि कंपनी जो है अगर एक साल में रेवेन्यू नहीं, ये नेट इनकम नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, भी बड़ी कंपनी है, ये होता रहता है। पर उससे पहले जो है कंपनी ने काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्मेंस किया है। अभी हम देखें कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। कंपनी की संपत्ति यानी कंपनी के एसेट्स, जैसे कंपनी के जो पेट्रोल पंप है उनकी वैल्यू क्या है, कंपनी इंडस्ट्रियल व्हीकल हो गए, ऑफिस वगैरह हो गई, ब्रांच वगैरह हो गई, उनमें क्या फेरफार हुए पिछले 5 सालों में। तो देखिए कंपनी के एसेट्स की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। कंपनी के पास 2019 के टाइम में 1,36,926 करोड़ का एसेट्स थे, और अगर 5 साल के बाद 2023 में देखें तो कंपनी के पास 1,88,108 करोड़ के एसेट्स है। तो इसमें दोस्तों का वृद्धि देखने मिली है, ज़्यादा तो नहीं देखने मिली, पर ये 36,000 से 88,000 हो गया है, जो एक अच्छी वृद्धि भी कही जा सकती है। तो अगर कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं तो इससे कहा जा सकता है कंपनी अपने रेवेन्यू सोर्स को भी बढ़ा रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है निवेशकों के लिए। तो हमने इसको एक प्लस पॉइंट दे दिया है। आगे दिया हुआ कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो कंपनी ने 2023 में डिविडेंड दिया, 22 में दिया, 22 में दो बार दिया और 21 में भी दो बार दिया है, ठीक है। मतलब कंपनी लगातार अपने निवेशकों को डिविडेंड दे रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है। तो हमने इसको भी एक प्लस पॉइंट दे दिया है। इसके बाद हम देखें कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न, यानी कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर के द्वारा इन्वेस्ट किया गया है। तो सबसे पहला आता टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की लगभग 53% की होल्डिंग रखी हुई है अपने पास, जो कि एक अच्छा संकेत है। और इसके बाद अगर बड़े इन्वेस्टर की बात करें, बड़े इन्वेस्टर को देखें तो भाई म्यूचुअल फंड के द्वारा 10% की होल्डिंग है, ये भी एक अच्छा संकेत है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा 12.53% की होल्डिंग, ये भी एक अच्छा संकेत है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन यानी भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा 13% की होल्डिंग, ये भी एक अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा सिर्फ 11% की होल्डिंग की गई है। और जैसा कि हम जानते हैं रिटेल इन्वेस्टर अगर कोई कम मात्रा में होता है किसी कंपनी में वो अच्छा माना जाता है, तो भाई ये भी अच्छा संकेत है। तो हमें काफ़ी सारे अच्छे संकेत मिले, इससे कहा जा सकता है कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल काफ़ी अच्छी रही हुई है। इसके बाद रिपोर्ट में कंपनी के टॉप कंपटीटर्स दिए हुए हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो स्कोप फ्यूचर स्कोप है वो बताया हुआ है, कंपनी आने वाले समय में कौन कौन से सेक्टर में काम करने का प्लानिंग कर रही है वो जानकारी दी हुई है, ठीक है। अगर आप इसे पूरे को रीड करना चाहते हो तो इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाकर आप इसे देख सकते हो, पूरा रीड कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कंपनी के टारगेट वैल्यू की। तो दोस्तों जो टारगेट वैल्यू होती है एक्सपर्ट के द्वारा दी जाने वाली एक अंदाजित वैल्यू होती है, किसी भी प्रकार का सजेशन नहीं है। तो अगर 2024 में बात करें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 590 से लेकर 620 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और अगर 2025 में बात करें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू, देखिए यहाँ पे इसकी शेयर की वैल्यू की बात करें तो भैया 690 से लेकर 735 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और 2030 में बात करें
तो इस शेयर की वैल्यू 1335 रुपये से लेकर 1410 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और किस बेस पे बताया जा रहा है उसकी जानकारी दोस्तों यहाँ पे पूरी लिखी हुई है, आपको ये ज़रूर से रीड करना चाहिए, आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने मिलेगी कंपनी के बारे में। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप इसे रीड कर सकते हो। प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट की बात करें तो इसमें हमें 4 प्लस पॉइंट देखना मिला, 1 माइनस पॉइंट देखने मिला, जो निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। और ये थी दोस्तों कुछ जानकारी, और जैसे जैसे हमें जानकारी मिलती रहेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।